में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जिलाधीक्षा को यहां पर नोटिस भेजा था, पंजाब पुलिस ने यूपी भेजने से किया था इनकार। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जिलाधीक्षा को नोटिस भेजा, पंजाब पुलिस ने यूपी भेजने से किया था इनकार। और अभी तक फिलहाल इस पूरे मामले में यही कोशिश है कि मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जाए। पंजाब की जेल में बंद है मुख्तार अंसारी, और इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। पंजाब पुलिस ने यूपी भेजने से इनकार किया था, सुप्रीम कोर्ट ने जिलाधीक्षा को भेजा था यहाँ पर नोटिस। तो मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की तैयारी यहां पर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है इस पूरे मामले की अब आगे सुनवाई। अवैस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवैस, अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो क्या लगता है कि पंजाब सरकार मानेगी? देखिए, पंजाब सरकार जो रोपड़ जेल के पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि वो अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, और कहा था कि वो मुख्तार अंसारी को जो है वो उत्तर प्रदेश लाना चाहते हैं। 2019 में बांदा जेल से मुख्तार अंसारी को वो पंजाब की रोपड़ जेल में ट्रांसफर किया गया था एक मामले में, उसके बाद से वो वहीं पे हैं। और लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो ये आरोप लगा रही है कि पंजाब सरकार जो है वो मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश कर रही है। मुख्तार अंसारी को लेने के लिए अक्टूबर के महीने में जब उत्तर प्रदेश पुलिस गई थी तो उस दौरान मेडिकल रिपोर्ट जो है वो दे दी गई, और कहा गया कि मुख्तार अंसारी की सेहत ऐसी नहीं है कि वो इतना लंबा सफर कर सके, और इसलिए 3 महीने तक बेड रेस्ट की जो है उनको जरूरत है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में रुख किया था, और 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था, जिसको 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश गाजीपुर पुलिस के खुद अधिकारी खुद लेकर रोपड़ जेल पहुंचे थे और रिसीव कराया था वो नोटिस। और उस नोटिस के जवाब में ये ओरली कहा गया कि मुख्तार अंसारी के लिए जो जवाब देना होगा मैं वो हम सुप्रीम कोर्ट में देंगे, और फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब जो है पंजाब सरकार की तरफ से दाखिल किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ कहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस इन तमाम जानकारियों के लिए आपका फिलहाल।